हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ स्कोलियोसिस का केस है। जो हमारे साथ पेशेंट हैं वो भोपाल से आए हैं, मिस्टर वैभव। जी सर, वैभव भोपाल में रहते हैं। और कब से तकलीफ है ये? सर मुझे लास्ट ईयर तकलीफ होना चालू हुई थी, लेकिन मुझे ये स्कोलियोसिस की दिक्कत स्कूल टाइम से ही है। स्कूल टाइम से दिक्कत है, तो इनका जो है वो स्कोलियोसिस है। और आप फ्रंट साइड से भी देख सकते हैं, जो इनका जस्ट लाइन है वो बिल्कुल मूव किया हुआ है राइट साइड में। और ये जो इनका डॉर्सल एरिया है, डॉर्सल एरिया इनका जो कर्व्ड है कॉनकेव है राइट साइड में, और नीचे तक लंबर रीजन तक जो इनका पैलिस है वो भी मिसअलाइंड है बिकॉज ऑफ द स्कोलियोसिस। तो इनका एक्सरे भी एक बार मैं दिखाऊंगा। एक्सरे में अगर आप देखेंगे तो जो इनका कर्व है स्पाइन का वो स्ट्रेट नहीं है, स्क्यूलोटिक है। और जो इनका कोब एंगल है वो भी ऑलमोस्ट 25 डिग्री कोब एंगल इनका है। एक बार चलते दिखाइए। तो बेसिकली जब स्कोलियोसिस होता है तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका अलाइनमेंट बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है। वन साइड बॉडी वेट ज्यादा जाने की वजह से, दूसरी साइड बॉडी वेट कम जाने की वजह से जो है वो हमें स्पाइन में पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब इनका पैल्विस लेफ्ट साइड से हाई किया हुआ है और राइट साइड जो है वो डाउन है। इसकी वजह से नीचे लोअर जो मसल्स हैं उनकी लोडिंग ज्यादा राइट साइड हो रही है। अपर साइड का राइट साइड का जो मसल्स है वो ओवर स्ट्रेच है, और लेफ्ट साइड का मसल भी साथ में, क्योंकि इस पे वेट कम जा रहा है तो उसमें आप लूजनेस देख सकते हैं। और इसमें आपको ये बिल्कुल टॉट होंगे, इसके जो मसल्स फाइबर हैं बहुत टाइट हैं, टॉट हैं, बिकॉज इस पे लोडिंग ज़्यादा है। और ये मसल्स फाइबर जो हैं काफ़ी लूज हैं, रिलैक्स हैं, क्योंकि ये साइड हमारा रिलैक्स है। तो ज़्यादा ओवरलोडिंग होने की वजह से डॉर्सल एरिया में इनको पेन डेवलप हुआ है। डॉर्सल में काफ़ी पेन है और लोअर बैक का भी पोस्चरल मिसअलाइनमेंट है। सो इनका एक हम सेशन करेंगे। इससे पहले भी कुछ ट्रीटमेंट कराया था इसका? नहीं सर, बस एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज वगैरह की दवाई और एक्सरसाइज, उससे कुछ बेटर हुआ? उससे पेन रिलीफ हुआ था सर। तो पेन रिलीफ हुआ था। जो स्ट्रक्चरल चेंज है ये बढ़ता जा रहा है आपका, या पहले आपने उसको सीटिंग वगैरह में दुखता है और जब ऐसे ये करो तो ये समझ में आ जाता है कि ये लोग जो है, ये भी आपका जो लेफ्ट साइड का जो आपका रिब केज है वो भी इंटरकोस्टल एरिया भी ऊपर उठा हुआ है, और राइट साइड का जो रिब केज है वो अंदर जा हुआ है। तो आपका पूरा रोटेशन हो गया है, जो इनका रिब केज है उसका रोटेशन हुआ हुआ है, ये रोटेट करा है बिकॉज ऑफ द स्पाइनल ट्विस्ट। तो पूरा स्पाइन ट्विस्ट करके स्कोलियोसिस हुआ है। जब भी स्कोलियोसिस होता है तो स्पाइन ट्विस्ट होता है, और ट्विस्टिंग का जो बेस्ट फॉर्म है आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका रिब केज वो ट्विस्ट किया हुआ है। सो इनको एक एडजस्टमेंट देंगे आज, उस एडजस्टमेंट के बाद इनके साथ थोड़ा फॉलो अप करना पड़ेगा, एंड ग्रेजुअली दिस कर्व विल इंप्रूव। यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन हिज लेग लेंथ। आप देखेंगे अगर लेग लेंथ इनका, लेग लेंथ दिखाओ बेटा ऊपर से। तो जो इनका राइट लेग है वो काफ़ी शॉर्ट है लेफ्ट के कंपैरिजन में। तो ये जो राइट लेग शॉर्ट है इसकी जो वजह है वो इनका स्पाइनल कर्व है, क्योंकि पैल्विस इनका जो है वो लेफ्ट साइड का पैल्विस ऊपर चला गया है और राइट साइड का नीचे आ गया है। Loose, breathe in, breathe out.
रिलैक्स। अब टाइट नहीं करना, रिलैक्स है। बिल्कुल कमर को ढीला छोड़, और ढीला और अपना बिल्कुल लूज छोड़ो, टाइट नहीं। सांस लेके, लंबा सांस लेके सांस छोड़ो, ब्रीद इन ब्रीद आउट। टाइट नहीं करना, अपने आप नहीं करना, मैं कर दूँ, आप ही लग। कैसा लग रहा है? तो थोड़ा चेंज आ रहा है क्योंकि एक वेट मेरा ये इस पैर पर ज्यादा पड़ रहा था। सो ये अभी क्योंकि आपका ये काफी क्रॉनिक है, काफी टाइम से है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है। आज हमने एक सेशन किया है, इसमें कुछ फॉलोअप्स करेंगे, कुछ सेशंस आपके साथ करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, तब जाके इसकी जो मसल्स इंबैलेंसिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। तो जो भी क्रॉनिक केसेस होते हैं स्कोलियोसिस के, वो स्पाइनल एडजस्टमेंट के बाद भी इट टेक्स लिटिल टाइम, बिकॉज बॉडी की जो टेंडेंसी है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। मसल्स एक साइड के डेवलप हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं, दूसरी साइड के लूज हो चुके हैं। तो मसल्स बैलेंसिंग प्लस एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सरसाइजिंग एडजस्टमेंट, इट टेक्स लिटिल टाइम। थोड़ा टाइम के साथ पॉस्चर इम्प्रूव होता है, बट जो पेन आ रही है वो पेन कम होती है, पेन मसल्स थोड़ा सा बैलेंस होने की वजह से पेन कम होता है। तो स्कोलियोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसल्स इक्वल रहें, मसल्स बैलेंस रहें, उसके लिए एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना भी बहुत जरूरी है, साथ में कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रियली हेल्प। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू फॉर द शेयरिंग ऑफ वीडियो, एंड थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन ऑफ, थैंक यू वेरी मच।